ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के गांधी चौक पर भाजपा नेताओं ने रैली के दौरान कांग्रेस पर निकाली जमकर भड़ास। आइए देखते हैं ये झलक। जनता पार्टी के वो हजारों कार्यकर्ता याद आ रहे थे जो मेरे साथ जेल में रहे। छोटे छोटे गांव के कार्यकर्ता, एक नहीं हजारों कार्यकर्ता वर्षों से काम करते रहे, उन्हें कुछ मिला नहीं, उन्होंने कुछ मांगा नहीं। प्लेट को हम लोग प्रदेश के गांव गांव तक घर घर तक पहुंचाएंगे। हम सब लोग अगर किसी व्यक्ति का किसी गांव डोर टू डोर अगर रहता है तो हम लोग इसी आने वाले चार दिनों के अंदर अंदर उसको डोर टू डोर तक हम सब लोग निपटा दें। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और हिमाचल प्रदेश में जो नरेंद्र मोदी जी के समय पर काम हुए हैं और इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर अनुराग ठाकुर जी के माध्यम से जो हमारे इस क्षेत्र को अनेकों सौगातें मिली हैं, मेडिकल कॉलेज मिले हैं, एम्स मिला है, पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल मिला है, इन सब कामों को हम जनता तक पहुंचाए। मैंने कहा था कल का इंतजार करिए, जो कल हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। और आज आप हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सबका हमीरपुर के गांधी चौक में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन सबका करना चाहता हूं। कल मीडिया के मित्र पूछ रहे थे चौका लगेगा कि नहीं लगेगा। आज की ये भीड़ आज का ये जोश ये दिखाता है चौका एक नहीं दो दो चौके लगने वाले हैं। 19 मई तक कम नहीं होना चाहिए, 19 मई तक जोश और ये हमारा काम लगातार बढ़ना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को जब रिजल्ट पूरे देश भर में 23 मई को आए तो हिमाचल की चारों सीटें नंबर वन पर जाती हुई नजर आए, ऐसा नजर आना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, घर घर जाकर हर परिवार को जोड़ने का काम आज तक आपने किया है। मेरे पास जब युवा मोर्चा की 7 वर्षों तक जिम्मेदारी देश की भी रही तब भी मेरे सब कार्यकर्ता कहते थे कि तुम भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए देश भर में आंदोलन करो, हम अपने संसदीय क्षेत्र को स्वयं संभालेंगे। आपने लगातार संभाला और लगातार जीत लाई, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूल सकता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतना बोलोगे उतने लेट होंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि अपना अपना काम जैसे अध्यक्ष जी ने कहा अपने अपने मतदान केंद्र पर संभाले। मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और 2-3 लाइनें बोलूंगा, उसके बाद आपने चौथी लाइन बोलनी है। होगा कमल का बटन दबाना है, अनुराग जी को जिताना और मोदी जी को भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, आप सबकी जय। आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री जयराम जी को। हमारे नौजवान साथी श्री अनुराग ठाकुर जी को यहाँ पर शुभकामना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं ऐसा लगता है कि नामांकन के साथ ही जीत घोषित करने का मन हो रहा है। जैसे जीत का जश्न होता है और जीत भी शानदार जीत और जीत भी ऐसी ऐतिहासिक जीत और उस जीत के बाद का जो जश्न का नजारा होता है, आज मैं नॉमिनेशन के इस कार्यक्रम में जो है उस नजारे को अपने सामने देख रहा हूं।
और मैं देर रात में आदरणीय धूमा जी से बात कर रहा था कि 1996 के बाद इस लोकसभा क्षेत्र को हम लगातार आठवीं बार जीतने जा रहे हैं, लगातार आठवीं बार जीतने जा रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश भर में बहुत ही कम लोकसभा क्षेत्र ऐसे होंगे जहां जीत का सिलसिला लगातार बरकरार है। और उसमें मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, हमारे यहां वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय धूमा जी, अनुराग ठाकुर और उनके साथ साथ पार्टी के संगठन के सभी कार्यकर्ता, पार्टी का मंच पर उपस्थित हमारा समस्त नेतृत्व यहां पर जो है, इन सबको मैं बधाई देता हूं। ये विधानसभा, ये लोकसभा क्षेत्र जो है हमारा, जो है भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा मजबूत किला, हिमाचल में ही नहीं ये पूरे देश भर का सबसे मजबूत किलों में से एक किला है। कल यहां पर विपक्ष के नेता, मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा ही कुछ जोश में थे, मैं ज्यादा उनके बारे में कहना नहीं चाहता हूं, कुछ दिनों से कुछ जगह गए हैं और आपसे पूछ रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे, मुख्यमंत्री को बोलते हैं जाने रहे हैं, वो तो एक जगह फंसे हुए हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आज मेरा ये आचार संहिता लगने के बाद हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा दौरे के बाद जो है ये 35वीं जनसभा है जिसको हम आप सबके बीच में यहां पर जो है संबोधित कर रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिला पूरे हिमाचल प्रदेश में। आमतौर पर चुनाव में टिकट लेने की होड़ होती है और यहां टिकट छोड़ने की होड़ हो रही थी, एक दूसरे को धक्का लगाने की तैयारी चल रही थी। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बात है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ हम बैठे, 15 मिनट के अंदर चार लोकसभा के टिकट का निर्णय हुआ और टिकट घोषित होकर के लोगों के बीच में हमारे कैंडिडेट निकल पड़े। और यहां कांग्रेस पार्टी हिमाचल में चार सीटें और तीन किश्तों में टिकट बांटे गए क्योंकि सब भागे जा रहे थे और भागने की व्यवस्था है, मजबूरी है उनकी। और मजबूरी इस वजह से है कि दीवार पर लिखी इमारत है कि हिमाचल प्रदेश में आपकी बार प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की लहर है, मोदी जी के नेतृत्व में हम चारों के चारों सीटें बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। इसलिए डर के मारे कोई इधर छुप रहा था, कोई उधर छुप रहा था। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जोर में कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में एक माहौल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बना है और उस वजह से हिमाचल प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी लहर है, इसका मूड बहुत अलग तरह का है। आप कल्पना करिए, 26/11 की घटना होती है और 26/11 की घटना मुंबई के होटल ताज में सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या होती है, पाकिस्तान से आतंकवादी आकर के हमला करते हैं, कसाब जिंदा पकड़ा जाता है, भारत की ओर से सरकार ने पाकिस्तान को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी कि कसाब जिंदा पकड़ा गया और उसने ये कहा कि पाकिस्तान से आतंकवादियों ने यहां पर यह हमला करने के लिए योजना बनाई, मुझे यहां पाकिस्तान से भेजा गया, पूरा पता उसका बताया गया और हम इस आतंकवादी घटना की घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर से उस वक्त ये पत्र जाता है और पाकिस्तान जवाब देता है कि मुंबई की 26/11 की घटना से हमारा कोई लेना देना है, कि शहादत के बदला लेकर के रहेंगे और भारत की सेना जाकर के पीओके में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लेकर के सुरक्षित भारत की धरती पर वापिस आते हैं। मोदी जी ने चिट्ठी नहीं लिखी। आप कल्पना करिए, कांग्रेस की अगर सरकार होती तो क्या होता, चिट्ठी लिखी जाती कि भारत में हमारे सेना के जवानों की हत्या हो गई, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और पाकिस्तान की ओर से चिट्ठी का जवाब आता कि हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं। और आगे बढ़कर के देखिए भाई और बहनों, एक घटना पुलवामा में होती है, 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं और 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान जब मारे गए, पूरे देश में एक जोश था, रोष था, आक्रोश था, हम सब आंदोलित थे, आप लोगों को भी मन में बहुत पीड़ा थी, दिल में बहुत पीड़ा थी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, एक बात कही कि मैंने सेना को छूट दे दी है,
समय वह तय करेंगे, स्थान वही तय करेंगे और कार्रवाई क्या करनी है वो भी वही तय करेंगे, ये बात कहकर के छोड़ दी। लेकिन चार पांच दिन बीतने के बाद जब कोई कार्रवाई जब तक हुई नहीं, कांग्रेस के लोग ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वहां जाकर के बम गिरा करके वहीं दफन करके भारत की सेना के जवान वापिस सुरक्षित रहे। आप कल्पना करिए, देश यही चाहता था, वर्षों से यही चाहता था, देश यही दिन का इंतजार कर रहा था, ऐसा नेतृत्व उस देश को मिलना चाहिए और वो नेतृत्व आज मिला है। जिस बात के लिए आज आप सब आदमी जो है सारी बातें एक तरफ, देश की आवश्यकता एक मजबूत नेतृत्व की है और वो मजबूत नेतृत्व सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में है। इतनी बात कहकर के मुझे लगता है कि हमारी बात पूरी हो जाती। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।